सच सच बताओ कि कौन हो तुम? नागिन, शेष नागिन। झूठ बोला तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया है तुमने मुझे। ऋषभ जी, ऋषभ जी प्लीज सुनिए तो, ऋषभ। क्या हो गया? सब ठीक है ना? इतना डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं, मैंने बस एक बुरा सपना देखा कि अब हम साथ नहीं। आपने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया और ये मंगलसूत्र। प्रथा, इधर देखो, एक बुरा सपना ही तो था ना। हमारी नींद टूट गई तो सपना भी टूट गया। हमारा रिश्ता मरते दम तक कभी नहीं टूटेगा। और तुम जानती हो, तुम्हारे बिना जीने के बारे में तो मैं अब सोच भी नहीं सकता। ऋषभ, आपने मुझे अपना सच बता दिया। अब आज रात को मैं भी आपको अपना सच बता दूंगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, नागलोक का सबसे बड़ा सच, आज मैं इस शेष नागिन रूप को अलविदा कह दूंगी। उसके बाद फिर चाहे मुझे आप अपनाएं या ना अपनाएं, अब मैं आपसे सच नहीं छिपाऊंगी। मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती। प्रथा, तुम फिर से एक बार सोच लो। ये जो फैसला तुम करने जा रही हो, ये बहुत बड़ा फैसला है। और एक बार तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगी तो तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगी। दीदी, वापस लौट के ही तो आना चाहती हूँ मैं, अपने बचपन के सपने के पास। आप तो जानती है ना मेरे बचपन का सपना क्या था। आप चुन रहे हो कि आप नागिन बनो? मैं तो कभी ना चुनू। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। दीदी, बचपन से मेरा यही सपना था, मेरी शादी किसी ऐसे से हो जो मुझसे बहुत प्यार करे। और ऋषभ जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस जिंदगी में और चाहिए ही क्या। आज मैं शेष नागिन के इस रूप को त्याग दूंगी। कयामत की रात होगी, आज शेष नागिन अपनी शक्तियां त्याग देगी, चांद लाल होने वाला है। हे शिव जी, मेरी छोटी बहन का साथ देना। शेष नागिन आपको प्रणाम करती है। आपका नाम? लोग मुझे फरिश्ता कहते हैं। आज ये शेष नागिन आपके पास एक विशेष मकसद से आई है। कुछ ऐसा करने जा रही है जो सदियों सदियों में नाग वंश में किसी ने नहीं किया होगा। मैं अपनी शक्तियां त्यागने आई हूँ। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है। शेष नागिन की पड़वी नानी हाल से आती है। एक नानी अपनी नातिन को दे के जाती है, और मैं तो फरिश्ता हूं। मेरा तो काम है यहाँ पे रहना और हर शेष नागिन को उसका बही खाता बताना। और तुम्हारा बही खाता अभी पूरा नहीं हुआ है प्रथम, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी है।
तुम्हारा लक्ष्य अभी बाकी है। जानती हूँ, पर अब जिंदगी में और कोई लक्ष्य नहीं सिवाय एक लक्ष्य के। मैं अपने पति के साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए अपने शेष नागिन की शक्तियाँ त्यागना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हारी नानी के साथ क्या हुआ था, उसके बाद भी तुम? जानती हूँ, सीमा की माँ तारा ने मेरी नानी की जान ले ली थी। मैंने तुम्हें शेष नागिन की किताब दी थी प्रथा, लेकिन उसका एक पन्ना अभी भी बाकी है और एक दिन मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। अब जिंदगी में सिर्फ एक ही पन्ना है, प्यार का पन्ना, और मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक शेष नागिन की जिंदगी नहीं जीना चाहती। वाह, आज इतिहास ने आके फिर से अपने आप को एक बार दोहरा ही लिया। आज फिर से एक नागिन को एक इंसान से प्यार हो गया। तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। और मेरी चाहत गलत नहीं। आप किसी भी लड़की से पूछे अगर वो अपने प्यार और शक्ति में से किसे चुने तो वो सिर्फ अपने प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भले ही मैं शेष नागिन हूँ, पर मेरे अंदर भी एक औरत रहती है, और वो औरत मुझे कहती है कि जा अपने प्यार के साथ जी ले अपनी जिंदगी। तुम शेष नागिन हो प्रथा, इसलिए तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा काम है इससे तुम्हें सावधान भी कर रहा हूँ। जिन शक्तियों को तुम त्यागना चाहती हो उनको त्याग करना इतना आसान नहीं है। जिस जिंदगी को तुम जीना चाहती हो उसे खो भी सकती हो, क्योंकि कायनात तुम्हें बार बार रोकेगी प्रथा। मेरा प्यार ही मेरी कायनात है, और मेरे प्यार की ताकत मेरे साथ है। प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ ही घंटों में पूर्णमासी का चांद पूरा होगा, और जानती हो ना आज लाल चांद की रात है, और इस लाल चांद की लाल चांदनी में ही तुम्हें अपनी शक्ति त्यागने के उस रास्ते पे चलना होगा जो तुम्हें कदम कदम पे रोकेगा प्रथा, क्योंकि ये लाल चांद की लाल चांदनी बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो करने आई हूँ वो करके रहूंगी। तो ठीक है, जब चांद का उगना शुरू होगा तब तो मुझे रक्तांचल पहाड़ी पे मिलना, वहीं से तुम्हारी शक्तियों की अंत की शुरुआत होगी प्रथा। जब चांद का उगना शुरू होगा तब तो मुझे रक्तांचल पहाड़ी पे मिलना। आज इस कुदरत की कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे दिल में मेरे प्यार की चाहत है और कदमों में मेरे प्यार की ताकत, और यही ताकत मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाएगी। Thank you.
आखिर तो मां ही गई, पर वक्त अभी भी तुम्हें वक्त दे रहा है। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। जो फैसला लेके आई हूँ उसी को पूरा करना है। प्यार के साथ जीना है, प्यार के साथ मरना है। तो ठीक है, तुम्हारी शक्तियों के त्याग का विधि विधान इस लाल चांद की लाल चांदनी के नीचे ही होगा। पर यह आसान नहीं होगा प्रथा, तूफानी रास्ता होगा। आसमान और धरती भी तुम्हें रोकेगी, और यहां तक कि ये चांद भी तुम्हें रोकेगा। लगता है कुदरत भी नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्तियों को त्याग दो। इससे तो पहले लटाओं ने तुम्हारे पैरों को जकड़ लिया, और अब बादलों ने इस लाल चांद को ढक दिया। अब लाल चांद की लाल चांदनी के बिना तो तुम अपनी शक्तियों का त्याग नहीं कर सकती। मैं करूंगी। यहाँ भले एक शेष नागिन के रूप में आए हूँ, पर यहाँ से अपनी साधारण जिंदगी लेकर ही जाऊंगी। आज ये कुदरत, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, यहाँ तक कि मेरे शिव जी, मेरे भगवान भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे शिव जी ने भी प्यार किया था गौरी से, तो वो मेरे रास्ते में क्यों आएंगे? हे शिव जी, जो माँ गौरी का लक्ष्य था आपके लिए कि अगर जीती तो आपको पाऊं और अगर हारी तो आपकी हो जाऊं, आज यही लक्ष्य लेकर मैं भी यहाँ आई हूँ, अपने प्यार को पाने यहाँ आई हूँ। शिव जी, आज आपकी वरदानी आपसे अपने प्यार का वरदान मांगती है। अपने प्यार को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। शिव जी, आज मेरे प्यार को आपको मुझे सौंपना ही होगा। आज मैं अपने प्यार को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिव जी, आज अपने कायनात, अपने कुदरत को कहिए कि वो मुझे अपने मंजिल तक पहुँचने का रास्ता दिखाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षे यमामृताम्। हे देव, हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। यहां बीच में आके खड़ी हो जाओ प्रथा, जहां ये लाल चांद की लाल रोशनी तुम पे आए। Hey, hey, hey.
अब चाहे जो भी हो जाए प्रथा, तुम लौट नहीं सकती। तुम्हारी शक्तियों को त्याग देने की विधि अब शुरू होती है। लोको नागों के नाग, देवों के देव, आज मैं शेष नागिन अपनी शक्तियां त्यागती हूं, अपने देव अपने गुरु शिव जी के सामने मैं अपना नाम अपना अस्तित्व त्यागती हूं। हर प्रण हर काम हर जिम्मेदारी आज मैं छोड़ती हूं। एक नागिन से बड़ी होती है नागरानी और सबसे ऊपर होती है शेष नागिन। आज शेष नागिन का पद खाली हो जाएगा। आज के बाद मैं शेष नागिन नहीं रहूंगी। प्रथा प्रथा तुम्हें ये दर्द तो सहना ही होगा। ये नाग और नागिन तुम पे वार नहीं करने वाले और ना ही तुमसे बदला ले रहे हैं। ये बस तुम्हारे अंदर का सारा जहर डस डस के बाहर निकालना चाहते हैं।
शिव जी ने ये पायल क्यों दी? ये तो मेरी नानी की पायल है, ये तो नाग महल में थी, ये मुझे यहाँ क्यों मिली? आज मेरी नई जिंदगी का तोहफा मेरे प्यार के लिए। पहले मुझे ऋषभ जी ने एक तोहफा दिया था और आज एक तोहफा मैं उन्हें दे रही हूँ। आज रात में हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दूंगी। हाँ मैं दीदी। प्रथा जल्दी हो, प्रथा ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं, जल्दी प्लीज मेरी मदद करो, ये समारा को लेके गए। मैं दीदी क्या हुआ, कहाँ है आप और क्या हुआ समारा को? ये समारा को लेके गए घर के पीछे वाले रास्ते पे, उस रास्ते पे समारा को लेके गए। जल्दी हो प्रथा। अब तो मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं रही, अब तो मैं अपना रूप भी नहीं बदल सकती। अब तो अगर कुछ असाधारण भी करना है तो साधारण रूप में ही करना होगा। तुम वही थी ना जिसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ करके मुझे जेल भिजवाया था? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वो तुम ही थी। छोड़ दो मुझे प्लीज। या फिर जो समायरा के साथ किया वही इसके साथ भी करे। चल इसको लेके चल। छोड़ दो। छोड़ दो। समायरा। नहीं समायरा। महक दीदी समायरा। समायरा, समायरा। समायरा, समायरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी आप मुझे छोड़िए, आप हिना को बचाइए। समायरा तुम्हारी ये हालत है सब, ये किसने? अभी आप रुकोगे? हमें इतनी हिम्मत है आप में, रुक के दिखाओ। रिजेक्शन का मतलब पता है?
रिजेक्ट किया था ना मुझे, अब देख मैं कैसे रिजेक्ट करता हूँ। तू नहीं तो ये सही। शिवजी, हे महादेव, मुझे आज आपकी जरूरत है, मुझे आज आपकी मदद चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए शिवजी। मैं अच्छा आप आ गए। देखिए इन लोगों ने समारा की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी है उस लड़की की। वो मर जाएगी ऋषभ जी, वो मर जाएगी। देखिए ये लोग हिना के साथ क्या कर रहे हैं ऋषभ जी। ये लोग शैतान है, हैवान है ये लोग। ये लोगों की इज्जत तो क्या उनकी जिंदगी के साथ भी खेलते हैं ऋषभ जी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऋषभ जी मैंने आपको कहा था ना, अपनी बीवी को मारता है, पीटता है। आज आपने अपने आंखों से देख लिया उसकी क्या हालत कर दी है। I'm sorry. क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ पर? तू बार बार गलती करता है और मैं माफ करता रहता हूँ, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। Thank you.
जब वक्त आएगा इस दुनिया को बचाने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हर पल हर कदम चलूंगी। ये तो मैं तब तक नहीं मार सकती जब तक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की वो जगह पे वार ना करे जो नाभि से होते हुए पीछे जुड़ती है। ये तुम्हारा सबसे कमजोर हिस्सा है क्योंकि तुम्हारा मणि वहां है। थैंक यू प्रथमा कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन आज के बाद तुझे से मेरी जान बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉरी, मुझे लड़ने का नाटक करना पड़ा। आप ये सब क्यों कर रही है? बस प्रथा, कुछ वक्त और तुम्हारा ये जन्म और तुम्हारी ये कहानी भी खत्म। कोई और दिन होता ना तो तुझे जान से मार देती, पर नहीं, आज मैं तुझे मार से भी तगड़ी मार मारूंगी। जान से नहीं मारूंगी, आज मैं तेरी बिना शक्ति वाली जान को तड़प तड़प के मर मर के जीते हुए देखना चाहती हूँ। अब तो शेष नागिन नहीं रही ना, तेरे पास शेष नागिन की शक्ति है। तू सिर्फ और सिर्फ एक साधारण इंसान हो मेरे सामने। दीदी, आप ये सब क्यों कर रही है? ओह ऋषभ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा प्रथा। सर, ये मर चुकी है। क्या हुआ था? ये इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता नहीं, प्रदय को देखा समारोह को मारते हुए। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रसाद गुस्से में आके उसने मुझ पे ही वार कर दिया। और जब मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो प्रसाद ने पुलिस की सायरन की आवाज सुन के अपने आप को ही चाकू मार दिया। कि पुलिस को शक ना हो कि असली कातिल प्रसाद है। चल,
लेकिन एक अनदेखा अनजाना खतरा आपकी तरफ आ रहा है। अब रो क्यों रही है? ने तुझे शेषनागिन बना लिया था, लेकिन तूने कभी एक पल के लिए भी सोचा कि ये हक, ये शक्तियाँ, ये ओहदा, ये मेरा था, मेरा। पहले तो तुमने अपनी कभी शक्तियाँ नहीं त्यागी थी, क्योंकि तुम्हें ये शक्तियाँ चाहिए थी। तुम्हें शेषनागिन बनने में बहुत मजा आ रहा था। तू कह रही है कि तुझे शेषनागिन नहीं बनना था, पर तू बन गई। और मैं तेरी सिर्फ दासी बन के रह गई। बचपन से मुझे कहा गया था कि मैं शेषनागिन बनूंगी, और मैं शिद्दत से उस दिन का इंतजार करती रही कि मैं शेषनागिन कब बनूंगी, और वो दिन आया भी। पर शेषनागिन तू बनी। इतने सालों तक मैं नफरत की आग में जलती रही, फिर मैं इतने सालों तक इंतजार करती रही एक दिन आएगा कि तू मुझसे बोलोगी कि तुम्हें एक स्टूपिड से इंसान से प्यार हो गया है। इतना प्यार कि तू इस इंसान के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दे, कि मुझे तुझसे बर्तन का बदला लेना था। क्योंकि मैं एक शेष नागिन से लड़के अपना बदला तो नहीं ले सकती थी। मैंने बरसों से तेरी जिंदगी में इंसानी प्यार का इंतजार किया। मेरा इंतजार रंग लाया और तू अपनी शक्तियां त्यागने चल पड़ी। हाँ, मैंने तुझे अपनी शक्तियां त्यागने के लिए मना नहीं किया, पर वांट जरूर किया था ताकि तुझे मुझ पर कोई शक ना हो। पर ऋषभ जी मेरे खिलाफ कैसे हो गए? मैं ऋषभ जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझ पे विश्वास ना करे। ऐसा क्या किया है कि वो एकदम से बदल गए? क्या किया उनके साथ महक, बताओ मुझे। कहानी का ये पन्ना तुझे कभी पता नहीं चलेगा प्रभा। तू पूरी जिंदगी भी सोचते रह जाएगी ना, तभी भी तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये कहानी में ये मोड़ आया भी तो आया कैसे। इंस्पेक्टर सर, मुझे प्लीज मेरे पति से बात करनी है, बस 2 मिनट। यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि तुम एक खूनी हो, एक कातिल। और तुम्हारी इस गुनाह की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। प्रथा ऋषभ गुजराल को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। माय लॉर्ड, ये सीधी साधी दिखने वाली लड़की ने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है, और उस कत्ल के एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चल साहब, रेहान बेकसूर है। ये प्रथा ने इसे मायरा को भड़काया था रेहान को झूठे केस में फंसाने के लिए, और जब बेचारी
तो मायरा अपना कंप्लेन वापस लेना चाहती थी, उसे मार डाला। माय लॉर्ड, अब मैं प्रथा गुजराल के पति ऋषभ गुजराल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, सच तो यह है जब मैंने समायरा की खून से लथपथ लाश देखी तो छुरा प्रथा के हाथ में ही था।